बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा था। सीएम योगी को मुंबई से 5 लाख करोड़ का निवेश मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा, सीएम योगी को मिला 5 लाख करोड़ का निवेश। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के से संबंधित, मुंबई दौरे पर है मुख्यमंत्री सीएम योगी और मुंबई में सीएम योगी को मिला 5 लाख करोड़ का निवेश। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर से मिली मदद, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खुलेगा जिले में जियो सेंटर। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के दौरे के दौरान 5 लाख करोड़ का निवेश मिला है और ये निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मिला है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जियो सेंटर खोले जाएंगे जिलों में। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, अडानी ग्रुप पीपीपी मॉडल पर खोलेगा मेडिकल कॉलेज, रामकी ग्रुप कानपुर लखनऊ के बीच बनाएगा सैटेलाइट सिटी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए हैं। पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा है और ग्लोबल समिट को लेकर सीएम योगी जो है वो मुंबई दौरे पर है, उनको वहां से 5 लाख करोड़ का निवेश मिला है। जी राजीव, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज से 3 दिन पहले जो है कि सीएम योगी आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे और वहां पर जो औद्योगिक घराने हैं, औद्योगिक ग्रुप हैं, उनको निमंत्रण दिया कि जो फरवरी में इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी होने वाला है, उसमें वो लोग आए और यूपी में एक बेहतर अवसर है और आकर निवेश करें। इसी सिलसिले में कई कार्यक्रम मुंबई में सीएम योगी के हुए और साथ ही साथ रोड शो भी हुआ। इस कार्यक्रम के बाद जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनके प्रमुखों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, अडानी ग्रुप से भी मुलाकात हुई, अंबानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो इन सब ग्रुपों से मुलाकात के बाद जो अभी तक आधिकारिक सूचना निकल के आई है वो हमारे पास आ गई है। इसमें जो लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वो 5 लाख करोड़, लगभग 5 लाख करोड़ का निवेश यूपी को मिलने जा रहा है। इसमें अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप और साथ साथ रैमकी ग्रुप के साथ टाटा ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर जिले में एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए जियो अपना सेंटर खोलेगा, साथ ही साथ जो है कि जो अडानी ग्रुप है उसकी तरफ से पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हर जिले में की जाएगी, रैमकी ग्रुप ने कानपुर और लखनऊ के बीच में सैटेलाइट सिटी खोलने की बात कही है, और साथ ही साथ टाटा एंड सन्स का ऐलान हुआ है कि यूपी में जो भी धार्मिक नगर है उसको एयर इंडिया से जोड़ने की कवायद की जाएगी। यानी एक तरह से ये जो इनको मिला हुआ है 5 करोड़ का निवेश मिला हुआ है, इसके पहले टीम योगी के जो मंत्री विदेश गए थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के विदेशी उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए, कि वहां पर भी उनको 7 लाख करोड़ का निवेश मिला था। आपको बताना चाहेंगे ग्लोबल समिट को लेकर पहले विदेश में दौरे हुए और अब देश में निवेश जोड़ा जा रहा है। वहीं बात करें अगर यूपी की, तो सीएम योगी मुंबई में है और यूपी में लाखों रोजगार के अवसर बनने वाले हैं। बिल्कुल रागनी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो यूपी में एक जो बार बार सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाती थी विपक्ष के द्वारा कि युवाओं को रोजगार की कमी है, इसको लेकर के इस कवायद को बहुत तेजी से देखा जाता है, बहुत बड़े स्तर पे देखा जा रहा है। चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2 फायदे होने वाले हैं, एक तो जो कंपनियां आकर यूपी में निवेश करेंगी उनसे जो है कि आर्थिक विकास होगा, साथ ही साथ यूपी के जो युवा हैं उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी उनको यहाँ अपने ही स्टेट में रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। क्योंकि विदेश की कंपनियां आएंगी और देश की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी यहाँ निवेश करेंगी, तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो लक्ष्य रखा गया था वो लगभग 17 लाख करोड़ का रखा गया था, इसमें जो है कि 5 लाख करोड़ अभी सीएम जब मुंबई दौरे पे हैं तो वहां से उनको मिला हुआ है और 7 लाख करोड़ का निवेश चूंकि विदेशों से आ रहा है तो अब बहुत कमी है और माना जा रहा है कि ये लक्ष्य योगी पूरा कर लेंगे। और चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो लक्ष्य रखा गया है वो उसकी जिम्मेदारी और कार्यभार चूंकि सीएम अपने कंधे पे लेकर चल रहे हैं, इसी के चलते वो जो देश के बड़े शहर हैं वहां पे रोड शो अपना करने जा रहे हैं, मुंबई में रोड शो हो रहा है और वहां से 5 लाख करोड़ का निवेश एक तरह से मिल चुका है उनको। तो आने वाले समय में यूपी में अर्थव्यवस्था जिस गति से भागेगी वो तो अलग है, साथ ही साथ जो रोजगार को लेकर के एक समस्या यहां बनी हुई थी कि यूपी के युवा कहां रोजगार पाएंगे, तो रोजगार की जो समस्या है वो भी एक तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। रागनी, उद्योगपतियों से कल सीएम योगी मिले हैं पंकज, और बात करें अगर फिल्म सिटी को लेकर तो कल फिल्म के अभिनेताओं से भी कल सीएम योगी मुंबई में मिले हैं।
हाँ जी रागनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि चूंकि उद्योगपतियों को न्योता देने के लिए सीएम खुद ही मुंबई पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ 2020 में जब दो साल पहले सीएम गए थे मुंबई, तो वहां पे एक समस्या थी कि जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको उनके रोजगार को लेकर के महाराष्ट्र में भेदभाव कहीं ना कहीं किया जा रहा था। इसको लेकर के सीएम ने कहा था कि महाराष्ट्र की तर्ज पे जैसे मुंबई माया नगरी बनाई गई है, वैसे ही फिल्म सिटी हम अपने यूपी में बनाएंगे, और इसको लेकर के जो कि नोएडा में निर्माण कार्य चल रहा है फिल्म सिटी का, इसको लेकर अक्षय कुमार ने कल मुंबई में मुलाकात की थी योगी आदित्यनाथ से, और साथ ही साथ जो फिल्म जगत के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी मुलाकात किया था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें इंतजार है कि योगी जी कब फिल्म सिटी का निर्माण पूरा करा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक चाहत है कि यूपी में जो फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है वहां पर आकर के अपनी मूवीज बनाएं। तो साथ ही साथ अक्षय कुमार ने अपनी मूवी राम सेतु जो बनाए हैं उसके लिए सीएम को कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम राम सेतु को एक बार देखें, और उसी तर्ज पे बाकी जो धार्मिक शहर है यूपी में उनके ऊपर भी वो फिल्मांकन करने वाले हैं। तो इन सब सारी चीजों को लेकर मुलाकात हुई थी। एक तरह से माया नगरी का जो फिल्मी दुनिया का जो फिल्म जगत है वो भी कहीं ना कहीं यूपी की तरफ नजर टिकाए हुए है कि यहाँ पे जो फिल्म सिटी बनेगी जिस हिसाब से सुविधाएं होंगी उसको लेकर के काफी अग्रेसिव दिख रहे हैं, और यूपी पे नजर टिकाए हुए हैं कि कब वहां कार्य करने का मौका मिले। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं और सीएम योगी को 5 लाख करोड़ का निवेश मिला है।